नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज का जो हम आसन करेंगे ये हमारा ब्रिज पोज रहेगा। ब्रिज पोज को जो आप सेतु बंधासन आसन भी कह सकते हैं। फॉर बिगनर योगा जो है, फॉर बिगनर्स के लिए ये कैसे हम इस आसन को करेंगे, उसी से मेरा ये सीरीज चला हुआ है। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जो अभी तक अपना योगा अभ्यास जो है शुरू किए हैं, या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल में है, जिनको एडवांस लेवल में जाना है। मैं से रिलेटेड ये आसन बताऊंगी कि कैसे करना है, चाहे हमारा प्रॉप्स के सहारे हम सपोर्ट लेके मैं ये आसन करके दिखाऊंगी, विदाउट सपोर्ट लेके भी करके दिखाऊंगी, एंड कैसे हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, उससे रिलेटेड मेरा ये आसन रहेगा। इसमें हमारा जो है पीठ काफ़ी मजबूत होता है, चाहे हमारे पैर हो या लेग्स हो या फिर हमारे थाइज हो या फिर हमारा नेक का जो हिस्सा रहता है या फिर शोल्डर स्ट्रेंथ, इसमें काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, अगर ये आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कर रही हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारा जो तनाव वगैरह है उसको मीन्स ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जिनको अपना बैक पोस्चर सही करना है या उनके लिए भी ये आसन अच्छा है, या फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है उनके लिए भी अच्छा है। बट हाँ, ये आपको प्रिकॉशंस का ध्यान देना है कि जिनका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो या फिर कोई ज़्यादा सीवियर पेन वगैरह है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। अगर आप कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें, तभी आसन को परफॉर्म करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का ये आसन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे आपने सीधा लेटना है, ठीक है। सीधा लेटते हुए क्या करना है, आपने थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है। अब अपने जो है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, जहां पे आपका लोअर बॉडी है, अपने हिप्स के पास आपने अपने पैरों को रखना है, एंड अपने दोनों हैंड जो है फ्लोर पे रख दे, एंड अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने का कोशिश करना है। अपने हैंड जो है अपने हिप्स के पास ही रखें एंड थोड़ा थोड़ा उठाने का कोशिश करें, ऐसे ऐसे शोल्डर को स्ट्रेच करें एंड धीरे धीरे जो है ऊपर उठाने का कोशिश करें, ऐसे ऐसे। फॉर बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, जिनको अपना लोअर टमी थोड़ा कम करना है या जिनका जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर उठाएं एंड थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट दें, इससे हमारा जो लेवल है वो काफ़ी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा बॉडी के। कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपके पास कुछ भी है, पिलो वगैरह या कुछ भी वगैरह है, तो आप ऐसे सपोर्ट रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो लेवल है वो आपके लेग एंड अपर बॉडी के लेवल के अकॉर्डिंग होगा, एंड आपके बैक को भी सपोर्ट मिल जाएगा। अपने हैंड्स को ऐसे ही रखें, शोल्डर को थोड़ा पैरों के पास लेके जाए ऐसे, एंड होल्ड करें। आपने इसमें 20 ब्रेथ तक आपने इसको होल्ड करना है। एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ खुलेगा, एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट जो है अंदर की तरफ जाएगा। ये बहुत अच्छा है, इससे हमारा पेट को काफी मजबूती मिलती है, प्लस हमारा लोअर टमी को एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए हेल्प मिलता है। साथ में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, इससे हमारा शोल्डर मजबूती अच्छी होती है, पैरों में स्ट्रेंथ, थाइस लेग एंड हमारा एंकल स्ट्रेंथ भी इससे मजबूत होता है। जब लगे कि आप इतनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं तो आप क्या करें, ब्रीथ को ऐसे धीरे से नीचे करें एंड थोड़ा थोड़ा आप अपनी बॉडी को उठाने का कोशिश करें और ब्रीथ को साइड में रखते हुए आसन को परफॉर्म करें। अभी क्या करें, दोनों हैंड्स को ऐसे ज्वाइन करें, इंटरलॉक करें एंड शोल्डर को स्ट्रेच करें एंड इस तरह से होल्ड करें, फिर से डाउन करें एंड फिर अप करें। तो ये वाला जो क्रिया है इसको आपने 8 से 10 बार जरूर दोहराना है, इससे काफी मजबूती मिलेगी बैक को, साथ में हिप्स को एंड शोल्डर स्ट्रेंथ, नी स्ट्रेंथ, पैरों को स्ट्रेंथ में मजबूती देने में काफी हेल्प करता है, साथ में एक्स्ट्रा फैट को भी बर्न करने में हेल्प मिलती है। ब्रीथिंग के साथ करें। एक तो मैंने ये करके दिखाया मीन्स ब्रिक स्पॉट से करके दिखाया, विदाउट ब्रिक स्पॉट करके दिखाया। अभी हम जो थर्ड राउंड रहेगा, हम क्या करेंगे, ऐसे अपने पैरों के लेवल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमारे हाथ टच हो रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने पैर रख रहे हैं
एंड हम धीरे से अपनी पीठ को थोड़ा ऊपर करेंगे, शोल्डर को स्ट्रेच करें, चेस्ट को स्ट्रेच, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड हम अप करेंगे अपनी बैक को, एंड इस सहारे आपने रखना है। शोल्डर को स्ट्रेच करें, अपने आर्म्स को इंटरलॉक करें, स्ट्रेच एंड होल्ड। नेक्स्ट लेवल में आप अपने पैरों के टॉस को भी ऐसे रख सकते हैं, इससे हमारे पैरों का टॉस का भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ये हमारा फिक्स पोज है, इससे हमें अगर पैरों की मजबूती को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप पैरों को इसी ब्रिज पोज में रखते हुए इस बंदासन में रखते हो पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। एंकल स्ट्रेंथ, टॉस स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। जो पूरा दिन खड़े रहते हैं, काम करते हैं, उनको री स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो काफी मींस आराम मिलेगा। दर्द से राहत देने में काफी हेल्प करता है। जिनको पीठ का दर्द वगैरह हो जाता है, ये स्ट्रेचिंग करते हैं, निधि आसन करते हैं, सेतुबंधासन, दर्द को ठीक करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए हेल्प मिलती है एंड मजबूती, फिट मजबूती देने में भी हेल्प मिलती है। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस स्टिफनेस हो जाती है, तो काफ़ी राहत मिलती है। प्रिकॉशंस में ये ध्यान देना है, अगर कोई इंजरी वगैरह हुई हो या ऑपरेशन हुआ हो कहीं पर भी बॉडी में, इसको अवॉइड करें। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कर रही हैं तो और भी ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है, दिमाग को शांत रखने में, बॉडी में जो अकड़न हो जाती है उसको ठीक करने में काफी हेल्प मिलती है। तो आप वापस पोजिशन में आए, रिलैक्स से पीठ को नीचे डाउन करते हुए, एंड हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। क्या करें, थोड़ा सा पास है, अपने पैरों को थोड़ा उठाएं एंड वेरिएशन है सेतु बंधासन आसन की, ब्रीथ पोज की। इससे क्या होगा कि हम पैरों के साथ अपने होल्ड करके कर रहे हैं, इससे हमारा लेग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। इस तरह से आपने अपने पैरों को होल्ड करना है। जब आप पहली वाली जो स्टेप्स हैं अगर वो सीख गए हैं तो आप नॉर्मल अपना बॉडी को रखते हुए होल्ड करना है अपने पैरों को, एंड मजबूती से होल्ड करें एंड स्ट्रेच एंड पॉज में आते हुए इससे हमारा लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन अच्छे से पास होगा। Hold for 10 seconds. आप जब ब्रिज पोज में आए तो आप ऐसे बैक सपोर्ट दे सकते हैं अपने हैंड से, तो इस पोजीशन में भी आप अगर रखते हैं तो इससे आपके रिस्ट स्ट्रेंथ, साथ में आपका एल्बो स्ट्रेंथ में मजबूती आएगी एंड आपकी बॉडी भी अप हो जाएगी। आप इस लेवल में भी कर सकते हैं। तो एंड उसके बाद जो है पैरों को करते हुए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साथ में हमारा एंकल स्ट्रेंथ तो अच्छा हो ही रहा है, साथ में हमारा नेक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा एंड हमारा लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, पूरी बॉडी में है जो अपर बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन पास हो पाएगा। एंड रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, एक दिन किया कल नहीं किया वैसे नहीं करना, हर रोज। चाहे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, आप 5 से 10 मिनट भी अपनी डेली रूटीन में ये आसन जरूर करें, फॉर बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छा है। जिनको अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, या फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, या जिनको लगता है कि बड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा फैट है उसको ठीक करना है, तो
सब भी चीज़ों में हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा है एंड साथ में हमारी हेल्थ को सुधारने में भी काफ़ी अच्छा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर मेरे आने वाले जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगे आप कोई भी वीडियो का लिंक जो है वो आप मिस नहीं करेंगे, हर वीडियो जो है आप देख पाएंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मिलते हैं, ध्यान रखिए, स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ।